हेलो दोस्तों, जो लोग UPSI का फॉर्म लास्ट डेट पूरी होने की वजह से सबमिट नहीं कर पाए थे, उनके लिए खुशखबरी। UPSI की वेबसाइट पे आज नया नोटिस आया है। उसमें कहा गया है कि UPSI की लास्ट डेट जो कि 15 जून थी, अब वो बढ़ा के 25 से लेके 1 जुलाई कर दी गई है। जिन लोगों की सर्वर डाउन होने की वजह से फीस सबमिट नहीं हो पाई थी, उनके लिए UPSI आयोग ने, भर्ती आयोग, फीस जमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन 15 जून तक हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वेबसाइट में सर्वर न आने की वजह से उनका का फॉर्म फीस न भरने की वजह से सबमिट नहीं हो पाया था, उनके लिए नया नोटिस आया। आप देख रहे हैं अब नोटिस। ये नोटिस 21 जून 2021 को आया है। इसमें कहा गया है कि उपनिरीक्षक, नागरिक, पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/6/2021 तक जिन आवेदकों द्वारा पंजीकरण कर पंजीकरण संदर्भ संख्या प्राप्त कर ली गई है, परंतु इसके पश्चात की प्रक्रिया व बैंकिंग सर्वर में ट्रांजैक्शन न हो पाने के कारण आवेदन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए हैं, ऐसे आवेदक को रजिस्ट्रेशन के पश्चात की प्रक्रिया व आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 25/6/2021 से दिनांक 1 जुलाई 2000 तक पोर्टल पर एक्सेस कराने का निर्णय लिया जाता है। जो लोग लास्ट डेट पर फीस सबमिट नहीं कर पाए थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो अपनी फीस 25 जून से लेके 1 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। 25 जून से लेके 1 जुलाई तक बस वही लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, लेकिन सर्वर न आने की वजह से उनकी फीस सबमिट नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन लोगों का UPSI का फॉर्म नहीं भरा गया है। जय हिंद, जय भारत।